ओके आपने जो है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने इसको भी देखने कर देखने बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल सिर्फ आपके पास क्या होगा कि जो ये बॉडी है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम सॉर्ट ऑफ बन जाएगी कुछ इस फॉर्म में कि आपके पास जो है यहाँ ये जो फोर्स पी है ये लाइक कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है 10 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 10, यहाँ आपके पास जो है आप इस फोर्स को आप कह लें कि ये लेट से पी टू है, ठीक है, ये सॉरी ये प्रोटेक्ट कर रही होगी। और इसी तरह जो ये बॉडी है ये आपके पास पी वन है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, ठीक है। सो सिंपल यानी कि आपके पास पी वन है, पी टू है, पी है, और ये डिस्टेंस जो है ये आई थिंक ये 3 गिवन है यहाँ। तो आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, जाएगा। और इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई इश्यू होगा तो उसको केटर कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, दैट इज डिस्क ब्रेक्स, ठीक है। डिस्क ब्रेक्स दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग कैलिपर ब्रेक्स, ठीक है, इन कंसिस्ट ऑफ अ कैलिपर दैट इज एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग मैकेनिज्म। हमने वीडियो देखी तो उसमें देखा था कि किस तरह फ्लूइड के थ्रू एक्चुएट हो रही थी। और उसके बाद एक डिस्क है जिसके ऊपर बेसिकली लाइनिंग है या फिर कह लें कि ये जो कैलिपर है, ठीक है, ये इसके साथ जो है अटैच है, ठीक है। फ्रिक्शन मटेरियल जो है लाजम आता है वो प्रेस करता है अगेंस्ट रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड रिड्यूस होती है। चार पैरामीटर्स इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्चुएटिंग फोर्स एफ, ठीक है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास ओके उसके बाद जो है हमारे पास जो एक इसमें बड़ा मेन पैरामीटर है वो लाजम आता है वो टॉर्क है, ठीक है, कि आप टॉर्क जो है कितना जनरेट हो रहा है, इस टॉर्क को जो है हमने देखना है, ठीक है। इसका हम रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इसके फॉर्मूलाज देखेंगे। सिंपल अगर आपने करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसमें भी उसी तरह ही है, पी प्रेशर जो है उसको हम कंसिडर करें, ठीक है, आर और डी आर, ठीक है, क्योंकि इनर और आउटर रेडियस एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो एक कम आर ले रहे हैं और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इन बिटवीन इनर एंड आउटर रेडियस। और इसी तरह डी थीटा, इसमें भी वो इनफाइनाइट सिमल रोटेशन हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे चल के भी बात उसकी भी आएगी, तो हम इजीली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ इक्विवेलेंट रेडियस की बात हो रही है। इक्विवेलेंट रेडियस बेसिकली क्या है कि अगर आपकी जो है यानी कि ऐसा ब्रेक डिस्क ब्रेक हो जिसमें जो डिस्क की थिकनेस है या जो कैलिपर की थिकनेस है बिल्कुल इनफाइनाइट सिमल या बिल्कुल स्मॉल हो जाए, तो उस केस में जो है सेम प्रोडक्टिविटी अगर आपने लेनी है तो कितना एक रेडियस होना चाहिए आपके डिस्क का या फ्रिक्शन लाइनिंग का, यानी तो ये बेसिकली यहाँ से जो है हमें मालूम होता है। इसी तरह जो आखिरी चीज़ है वो आर बार है या फिर लोकेटिंग रेडियस है, जो कि आपको ये यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ओरिजिन से वो डिस्टेंस है लॉन्ग वाई एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे जाके हमारी एक्चुएटिंग फोर्स एक्ट कर रही है। दो तरह की मेथडोलॉजीज यूज होती हैं, एक यूनिफॉर्म वेयर है और एक यूनिफॉर्म प्रेशर है। यूनिफॉर्म वेयर में हम क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेयर के अंदर जो है हम वेयर को हम जो है इस तरह खाते में नहीं ला रहे, और इसके अंदर जो प्रेशर हम वेरी करके देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो उस तरह जो है आपके पास प्रेशर जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। और लार्ज द प्रेशर पी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लार्ज अलाउबल प्रेशर पी डेट अकर एट इन अ रेडियस आर आई, ठीक है। सो ये जो है इस फॉर्म से जो है हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो है मैक्सिमम प्रेशर इनर रेडियस पे, ठीक है, मैक्सिमम होगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो प्रेशर है डेट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और इनर रेडियस पे जो है आपका लाजम बात है जो एरिया को मिनिमम होगा, सो इसका मतलब है कि प्रेशर वो ज़्यादा होगा। इसी तरह जो है इसी को हम डिराइव करें, जो पीछे हम एक्सप्रेशन हम देख के आए हैं, ठीक है, उन्हीं को हम यूज़ करते हुए यहाँ फोर्स के लिए जो एक्चुएटिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला है, टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेडियस अगर आपने फाइंड आउट करना है इस केस में तो उसके लिए ये रिलेशन है। उसके बाद जो है आर बार है, ठीक है, यानी कि अगर आपने लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये रिलेशन है। ओके सेकेंड जो हमारे पास केस है वो हमारे पास है यूनिफॉर्म प्रेशर का। यूनिफॉर्म प्रेशर में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास थ्रू आउट जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म सेम है। अगर वो सेम है तो उस केस में जो है हम फोर्स के लिए ये यूनिट यूज़ करेंगे, टॉर्क के लिए ये जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और जो लोकेशन है एक्चुएटिंग फोर्स की वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो ये दो मेथडोलॉजीज हैं
ठीक है, अभी हम जो है एक एग्जांपल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके जी, सो हम न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं बिफोर वी प्रोसीड। ठीक है, ये केस पे यूनिफॉर्म वेयर का। यूनिफॉर्म वेयर में हमने जब ब्रेक्स हमने डिस्कस की थी और हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिकल ब्रेक्स जो हमने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स हमने डिस्कस की थी, वहाँ एक वेयर का फैक्टर आया था जिसमें अगर आपको याद हो तो वहाँ एक हमने चीज़ हमने डिस्कस की थी जो कि लिमिटिंग पीवी की वैल्यू थी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो यूनिफॉर्म आपके पास वेयर के केस में हमेशा हमारी कोशिश होगी कि जो पीवी की वैल्यू है फॉर दिस केस वो भी सेम रहे। ठीक है, सो अब हम जो है इसी बेस पे हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है कि ये दो पैड्स यूज हो रहे हैं, इनर रेडियस आउटर रेडियस गिवन है, एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है अभी इसको आप इन वाला अभी ना इसको हम टच करते हैं, इसको देख लेते हैं। और टॉर्क रिक्वायरमेंट हमें गिवन है कि जी 1470 न्यूटन मीटर है। यूनिफॉर्म वेयर के लिए सबसे पहले लार्जेस्ट नॉमिनल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने एक्चुएटिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इक्विलेंट रेडियस है, फोर्स लोकेशन है, और फिर हमने हाइड्रोलिक प्रेशर यूज करना है, फाइंड आउट करना है जिसमें ये वैल्यू यूज होगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब चूंकि हमें इस केस में जो है आपके सामने भी हमने स्टेटमेंट में देखा, हमें टॉर्क गिवन है, थीटा टू थीटा वन भी गिवन है, क्वेश्चन का फ्रिक्शन भी गिवन है, इनर रेडियस आउटर रेडियस भी गिवन है। सो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम यूनिफॉर्म वेयर के केस में यहाँ से पी ए को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी कि जो टॉर्क की वैल्यू है, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू जो है ये आप यहाँ हाफ लेंगे। ठीक है, वो होगी क्योंकि आपके पास ये नव जो आपके पास जो प्लेट्स हैं वो दो हैं। ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन है टू एनुलर पैड्स। ठीक है, सो इसकी वजह से अब हम इसको यूँ लेके चलेंगे कि हमारे पास ये 1470 न्यूटन मीटर था, तो 1470 को आप यहाँ से हाफ कर लेंगे, डेट वुड बी 735। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो सिंगल पैड है उसके लिए जो टॉर्क है डेट इज 735 न्यूटन मीटर। अगर हम ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, 735 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय आपके पास एक एंगल जो है हमारे पास वो है 144 और 36। ओके, पाई माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि हमारे पास है 0.37। ठीक है, और इसको यहाँ कंटिन्यूशन में यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय पी ए मल्टीप्लाई बाय आर आई विच इज 0.98 0.098 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ आपके पास आर नॉट स्केयर है जो कि 140 है, तो 0.140 का स्केयर माइनस 0.098 और इसका भी स्केयर। ठीक है, ओके। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पी ए इस एक्सप्रेशन से आएगा,
ओके जी, सो हमारे पास जो फाइनल जो एक्सप्रे वैल्यू आएगी डेट वुड बी अराउंड 2.15 mm का पास्कल। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एक्चुएटिंग फोर्स, ठीक है। सो एक्चुएटिंग फोर्स को जब हमने फाइंड आउट करना है, थीटा टू माइनस थीटा वन बिल्कुल उसी तरह यूज़ होगा, ठीक है। 144 माइनस 36 पाई बाई 180 चेक, आप यहाँ कॉमन कर लें या फिर मल्टीप्लाई जब दोनों से होगा तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। ओके और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई पर पी है कि 2.25 × 10⁶ मल्टीप्लाई पर आ रहा है विच इज़ 0.098 और फिर नॉट माइनस आ रही है यानी कि 0.14 माइनस 0.098। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमारे पास ये जो वैल्यू है फोर्स की, एक्चुएटिंग फोर्स की, डेट वुड 16.672 किलो पास्कल। ओके, हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है डेट इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेडियस एंड द फोर्स लोकेशन। ओके जी, तो इक्विवेलेंट रेडियस अगर हमने सिंपल फाइंड आउट करना है आर ई, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आपके पास आर नॉट आर आई जो आ रहा है वो गिवन है 2, दैट विल कम आउट टू बी 0.119 और इसी तरह अगर हमने आर बार फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये तमाम वैल्यूज नोन है और मैं सिंपल यहाँ जो है इसको वाइंड अप करके आंसर में यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले कॉस ऑफ 144 माइनस कॉस ऑफ 36 डिग्रीज डिवाइडेड बाय यहाँ पाई बाय 180 आप लिखते हैं 144 माइनस 36 थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाएगा। उसके बाद जो है आर नॉट आर वन और डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आपके पास माइनस रह जाती है आर नॉट जो है वो हमारे पास है 0.14 प्लस 0.098 जो कि आ रहे हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये इक्विवेलेंट रेडियस जो है आपके पास इक्विवेलेंट रेडियस आपके पास आएगा 0.102, ठीक है। और इसके साथ यूनिट्स आप मीटर्स लगा देंगे। ओके, हाइड्रोलिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास एक एक्चुएटिंग फोर्स है और हमें वहाँ रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है जो कि 38 mm इन डायमीटर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ ये
प्रेशर फाइंड आउट करेंगे फॉर ईच सिलेंडर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो सिलेंडर यूज होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो कैलिपर्स हैं वो दो हैं, ठीक है। सो फोर्स या फिर आपके पास जो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमें गिवन है और एरिया क्या होगा, क्योंकि 38 mm हमें गिवन था, सो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है डायमीटर हमें वहाँ गिवन है इसका सिलेंडर का 38 mm, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 38 ये हमारे पास आएगा 1.13 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और फोर्स जो है वो हमें गिवन है, जो कि हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट भी किया है, 16.672 किलो पास्कल। सॉरी इंटू 10⁻³ न्यूटन फोर्स के यूनिट न्यूटन में है, और यहाँ भी करेक्शन कर देते हैं। ओके, सो जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो सिंपल इसके बाद जो है हमने 16.672 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 14.71 मेगापास्कल। सो यहाँ जो है हमारा ये टॉपिक तो खत्म होता है रिगार्डिंग ब्रेक्स, ठीक है। इसको आप देखिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी है आप चेक कीजिए वीडियोस के उसके अगेंस्ट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथडोलॉजी आप यूज करना चाहें फॉर आस्किंग क्वेश्चन, और एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।